ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ प्रयागराज से विकास मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। विकास, क्या कुछ जानकारी चूंकि बड़ी राहत है अफजाल अंसारी के लिए? साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। बात की जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट है, जिसने 4 साल की गैंगस्टर के मामले में कृष्णानंद राय के हत्याकांड के मामले में जो सजा सुनाई थी, उस मामले में इनको राहत मिली है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे मामले में कई बार सुनवाई हुई, फैसले को सुरक्षित रखा गया और आज इनको बड़ी राहत मिली है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द इन्होंने कर दिया है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे, जिसमें अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सजा बरकरार रखी जाती है तो इनकी जो सांसदी है वो भी चली जाएगी, लेकिन अब इनको बड़ी राहत मिली है और ऐसे में इनकी जो सांसदी है वो भी बची रहेगी। और लगातार जिस तरीके से पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का जो स्टैंड था, कई तथ्यों को रखकर पूरे मामले में फैसला सुनाया था, तो ऐसे में अफजाल अंसारी को यह बड़ी राहत मिली है। और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब जो कृष्णानंद राय के जो परिजन हैं, वो जानकारी मिल रही है कि वो भी हाईकोर्ट में अपील करेंगे, तो साफ तौर पर अब या उसी वक्त जानकारी मिलेगी। लेकिन अफजाल अंसारी जो सपा के सांसद थे, उनको यह बड़ी राहत मिली है। जी विकास, क्या इस बाबत भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि हाईकोर्ट में ही दोबारा अपील करेंगे या फिर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जाएगा? देखिए, कृष्णानंद राय के परिवारिक जन से अभी संपर्क साधने की कोशिश की गई तो उनका अभी किसी तरीके कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस जो फैसला है उसके खिलाफ अपील करेंगे। और ऐसे में अगर वो अपील करते हैं, उसके बाद हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा इस पूरे मामले में, या देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो सपा के सांसद हैं गाजीपुर के, जो अफजाल अंसारी, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और अब उनकी जो सांसदी है वो भी बची रहेगी। और जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी सांसदी खतरे में रहेगी, तो ऐसे में अब उनको बड़ी राहत है। जो एमपी एमएलए कोर्ट है, जिसने कई तथ्यों पर, कई बिंदुओं पर लगातार पूरे मामले में फैसला सुनाया था, 4 साल की सजा सुनाई थी, तो ऐसे में अब उनके लिए यह राहत बड़ी भरी खबर जरूर है। विकास, ये भी जानना चाहेंगे हाईकोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी गई जिनके आधार पर एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला जो है हाईकोर्ट ने पलट कर रख दिया? देखिए, साफ तौर पर इसके पहले जिस तरीके से जो सपा सांसद थे, इनके मामले में लगातार चुनाव के समय से ही पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की गई थी और साथ ही साथ कहा जा रहा था कि अगर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता है इनके पक्ष में, इनके फेवर में, तो ऐसे में इनकी सांसदी चली जाएगी। लेकिन तमाम जो इनके अधिवक्ता थे, उनके तरफ से या बात रखी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस के सामने कि लगातार जो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट है, उन्होंने तथ्यों को दरकिनार करते हुए यह फैसला सुनाया है और एक तरफा फैसला सुनाया है, ऐसे में उनकी सजा है जो उसको सस्पेंड किया जाए। तो ऐसे में तमाम दलीलों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया था, तो सभी जवाबों को और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने यह फैसला सुनाया है। और इनके लिए जो अफजाल अंसारी हैं, इनके परिवारिक जन के लिए भी खुशखबरी जरूर है, लेकिन जिस तरीके से जो कृष्णानंद राय, जिस पूरे मामले में इनको सजा सुनाई गई थी, उनके परिवारिक जन भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया विकास मिश्रा तमाम जानकारी के लिए।